छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है बिलासपुर लोकसभा सीट, और यही वजह है कि इस सीट को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। मैं इस वक्त देवेंद्र यादव के साथ मौजूद हूं, भिलाई विधायक है जिन्हें बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। सीधे उनसे ही बात करेंगे। देवेंद्र जी, कितनी बड़ी चुनौती है भिलाई से आकर यहाँ बिलासपुर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जनता निर्णय करती है, और जनादेश पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है केंद्र की सरकार में, और उस जनादेश का जो सम्मान होना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं किया है। उस जनादेश जिस आधार पर उन्होंने लिया था, भले वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ठीक है, युवाओं को अवसर देने की बात हो, या जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके जीवन में स्वरोजगार को और लाने की बात हो, तो सारे नारे, सारे उनके फार्मूलाज, सब कुछ केवल और केवल कागज़ों में और होर्डिंग में सीमित है। ग्राउंड पर जो रियलिटी है वो जो वो प्रचार कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो ये सब चीज़ों को देखते समझते हुए अब उनकी बारी, उनका समय समाप्त हो चुका है, और 10 साल की सरकार का मौका के बाद अब कांग्रेस की सरकार इस बार आने वाली है। विरोधियों का कहना है, खास करके आपके एक मित्र हैं, विधानसभा में बैठते हैं, बेलतरा के विधायक हैं, उनका ये कहना है कि देवेंद्र यादव को भिलाई से लाकर बिलासपुर से चुनाव लड़ाना उनकी राजनीतिक हत्या कर रही है कांग्रेस। उनको अभी थोड़ा सा मुझे लगता है और समय देना चाहिए अपनी खुद की राजनीति को समझने के लिए। अभी वो युवा साथी हैं, पहली बार के विधायक हैं, थोड़ा और राजनीतिक अनुभव लेंगे, उसके बाद चर्चा करना उचित होगा। जी बिल्कुल। एक बात और निकल कर आ रही है देवेंद्र जी, कि आपको जब प्रत्याशी बनाया गया उसके बाद यहाँ पर विरोध के स्वर देखने को मिले बहुत सारे, चूंकि कहीं ना कहीं एक जातिगत समीकरण था जिस पर आप फिट बैठे, यादव समाज से प्रत्याशी उतारना था, ओबीसी फैक्टर था, तो आपको इस मैदान पर उतारा गया। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय यादव हैं, यहाँ के जो ओबीसी जो नेता हैं, वो आपका विरोध कर रहे हैं, उससे कैसे आप निपटेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कोई बात नहीं है विरोध जैसी, ये तो ऐसा है कि पॉलिटिकल बीजेपी का छोड़ा गया डिस्कशन है, और ऐसी कोई बात नहीं। और जब आप चुनाव लड़ते हो, इतना बड़ा चुनाव लड़ते हो, 20 लाख लोगों की जनसंख्या का लोकसभा का चुनाव लड़ते हो, तो थोड़ा बहुत तो बातें आती है, और ये दोनों पक्षों से आती है, और इसका कोई चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुनाव आम जनता अपने विवेक से वो वोट करती है। आज के समय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं, युवाओं में जोश है, और बिलासपुर के लोग सीधी सी एक ही बात पूछ रहे हैं, 35 साल सांसद दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसने क्या किया? मैं आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ, आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 3 दशकों में 3 उपलब्धि बीजेपी के सांसद बता दें, और मैं खुला चैलेंज करता हूँ टोकन साहू जी को कि उनका क्या विजन है बिलासपुर को लेकर, रेलवे में जो चीज़ें हो रही है, या हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए वो क्या सोचते हैं। खुलकर अपनी बात तो रख नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के पुराने सांसद। मैं तो उप मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करूंगा, वो 5 साल उनको बिलासपुर की जनता ने उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने इस जनता के लिए सदन में कौन सा सवाल उठाया? आपने यहाँ के जब रेलवे की ट्रेनें लगातार रद्द हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, और अब उप मुख्यमंत्री बना दिया, आपके पास क्या विजन है बिलासपुर को लेकर, युवाओं को लेकर? आपके पास कोई विजन नहीं है, और अगर विजन है तो मैं टोकन साहू जी से को भी निवेदन करूंगा कि खुले मंच में आकर चर्चा करें। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहू जी को भी निवेदन करूंगा कि आप जहां बुलाएंगे मैं आपसे चर्चा करने के लिए आऊंगा। एक नारा चल रहा है मोदी में को चुनने का रीजन है क्योंकि उनके पास विजन है। मोदी जी के पास, मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार के घोषणा पत्र में क्या कंटेंट दिया है युवाओं के लिए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कहा है, उनका कोई घोषणा पत्र ही जारी नहीं हुआ। किन किन विषय को लेकर आने वाले समय में भारत का भविष्य सुधरेगा, वो तो केवल अपने नाम ब्रांड पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो लोग अब थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, और मैं ये कहूँगा, बिलासपुर की बात कहूँगा, बिलासपुर में तो क्राइसिस हो गया है सेंट्रल लीडरशिप में, और लंबा क्राइसिस है। कांग्रेस या बीजेपी बिलासपुर लोकसभा, इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए ऐसा आम जनता की आवाज़ बनकर दिल्ली के सदन में बात कर सके। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस में वैसा ही स्थिति नहीं है इसलिए आपको वहां से लाया गया है? कांग्रेस में हमारे मजबूत नेता हैं जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, विधानसभा स्तर पर हम लोग मजबूत हैं, लोकसभा में तो हम चुनाव हार ही रहे ना,
पिछले 3 दशक से हार रहे हैं, तो उसको उसको उसमें नहीं क्या बात है। हम तो आए हैं आवाज बनने, आए मजबूती से आवाज बनने आए हैं यहाँ की जनता की, और जनता की स्वीकारिता मिल रही है, यहाँ के आम लोगों की स्वीकारिता मिल रही है, युवाओं के अंदर जोश है, और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी शक्ति लगा के चुनाव लड़ा रहा है मुझे, और मुझे इस शक्ति पे विश्वास है, मुझे इनकी नाकामी पे विश्वास है, मुझे मेरी शक्ति पे भी विश्वास है और इनकी नाकामी पे भी विश्वास है। लेकिन इनके पास आने वाला समय का थॉट नहीं है, इनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि जब बिलासपुर पूरे देश का सबसे बड़ा रेलवे जोन है और सबसे ज़्यादा कमाऊ मतलब रेवेन्यू देने वाला जोन है, उसके बाद यहाँ पर जब ट्रेनें रद्द हो जाती है तो पूर्व सांसद क्या कर रहे थे, जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाए, और क्या तोकन साहू जी आने वाले समय में बिलासपुर के अधिकारों का जो हनन होगा उस पर अपनी बात रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे, ये मुख्य सवाल है। देवेंद्र जी जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें लिखा हुआ है न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो आप लोगों ने खूब चलाई, पूरे देश में चल ही रही है, ये कांग्रेस को जोड़ने के लिए ये यात्रा कब शुरू होगी? देखो जिनके पास हिम्मत नहीं है वो जाएंगे, ठीक है, जिनके पास लड़ने का जज्बा है वो अपनी जगह पर खड़े होकर लड़ेंगे। तो जो साथी जाते हैं उन पर मेरी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं है, लेकिन बस यही कहूँगा मजबूत मन की ज़रूरत है। अब चूंकि आप यहाँ पर आए हैं तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? देखिए ऐसा है कि जनता महंगाई की मार से परेशान है, 400 का गैस सिलेंडर अब 1100 पे पहुँच गया, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया, दूध है उस तक GST लगने लग गया, दाल के क्या रेट हो गए, आम आदमी परेशान है, युवा भारत है आज के समय, उनके भविष्य को हम ऐसे खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। केवल मेक इन इंडिया के नारे से नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार मुहैया करवाना पड़ेगा, युवाओं को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। यादव वोटर्स को कैसे साध रहे हैं, मिल रहा है आपको समर्थन? देखिए यादव समाज के हमारे सम्मानित वरिष्ठ जनों का, पदाधिकारियों का बहुत स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं बता रहा हूँ ये बिलासपुर का चुनाव बिलासपुर की पूरी जनता लड़ रही है, बिलासपुर की भाजपा में भी बहुत सारे लोग होंगे जो शायद अच्छा बात रख सकते होंगे, लेकिन इस पार्टी में तानाशाही इतनी चल रही है कि किसी की सुनवाई नहीं है। देवेंद्र यादव लोकसभा से, बिलासपुर लोकसभा से चुनाव जीत जाते हैं तो क्या बिलासपुर की जनता को भिलाई जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा भाई, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ, भिलाई मेरी मातृभूमि है, बिलासपुर मेरी कर्मभूमि है, बिलासपुर के लोगों का आशीर्वाद मिलता है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर उपलब्धता के साथ लोगों की आवाज़ उठा सकूं और काम कर सकूं, और इसका कोई जवाब नहीं होता, इसका जवाब समय है, आने वाला समय इसका जवाब देगा। मोदी मैजिक के सामने देवेंद्र यादव की क्या रणनीति है? कोई मैजिक वैजिक नहीं है, सब बातें। चलिए तो ये हमारे साथ थे देवेंद्र यादव, बिलासपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस से, और जिस तरीके से इनसे बातचीत की तो इनका दावा है कि बिलासपुर लोकसभा ये 100% जीतेंगे, लोगों का प्यार आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है, जिस तरीके से मोदी मैजिक की बात कही जा रही है इन्होंने खोखला बताया है, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों की जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ है, जनता के बीच पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ वो अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें इस चुनाव में जिताए। हालांकि देखना होगा कि लगातार 7 बार से कांग्रेस इस लोकसभा को हार रही है, देवेंद्र यादव के आने के बाद क्या कांग्रेस इस सीट को जीतेगी, क्या यहाँ की जनता का आशीर्वाद देवेंद्र यादव को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य।